खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। गुड़गांव सेक्टर 29 में क्रांट्स आर्ट गैलरी द्वारा एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा गया, जहां पर दुनिया भर के आर्टिस्ट की पेंटिंग नजर आई। देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को गुड़गांव के सेक्टर 29 में क्रांट्स आर्ट गैलरी ने आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें विश्व भर के आर्टिस्टों की पेंटिंग नजर आई। यहां दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों का रंग इन पेंटिंग्स में नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण, और अभी हम पहुंचे हैं गुड़गांव के सेक्टर 43 में, जहां एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, और तमाम तस्वीरें भी आपको मेरे आगे पीछे दिख रही होंगी दाएं बाएं। और जिस शख्स ने इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है, इकबाल जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ अलग अलग आर्टिस्ट की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग संदेश देती हुई नज़र आ रही हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका इस तरह का जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है? ये एग्जीबिशन इसलिए ऑर्गेनाइज़ करी है हमने कि जिससे पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट जो है यहाँ पर इकट्ठे होकर और अपनी एग्जीबिशन को, मतलब अपनी पेंटिंग्स को सारे लोगों तक पहुँचा सके, खास तौर पर गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव में आर्ट गैलरी बहुत कम है और आर्टिस्ट बहुत लोग हैं, और बहुत डेवलप्ड एरिया है, डेवलपिंग एरिया है मतलब। तो उसमें हर जो लोग हैं, जो रह रहे हैं और जो नहीं भी रह रहे हैं और जो शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आकर पेंटिंग्स देखने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए। इकबाल जी, बात करें अगर आर्टिस्ट की, तो कितने आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं? और मैं देख पा रहा हूँ तमाम पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनका जिनके अलग अलग मायने हैं, लेकिन आम इंसान उसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि आर्टिस्ट की नज़र से उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो कितने आर्टिस्ट आपसे जुड़े हुए हैं और कितने लोगों की पेंटिंग आज यहाँ है? इस एग्जीबिशन में करीब 22 आर्टिस्टों की पेंटिंग्स हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। दो आर्टिस्ट क्यूबा से हैं, एक फ्रांस से है, एक मोरक्को से है, एक ऑस्ट्रेलिया से है, बाकी कुछ बॉम्बे से हैं, कलकत्ता, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, सब जगह से आर्टिस्ट हमारे पास आए हुए हैं। वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया से आर्टिस्ट इनके पास आए हैं, उन सभी की तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, तमाम यहाँ तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, पेंटिंग नज़र आ रही हैं। जैसे कि ये है, अभी हमने इन ये पेंटिंग जिन्होंने बनाई है उनसे भी बात की थी, महिला के नाम पर कोई संदेश उन्होंने दिया था, जैसे कि हमने उनसे बात की थी। आगे ये पेंटिंग है, हमारी वो नज़र नहीं है एक्चुअली कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि क्या मैसेज, क्या संदेश दिया जा रहा है इन पेंटिंग के ज़रिए, लेकिन एक आर्टिस्ट की नज़र से इन्हें बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इकबाल जी, ये जो एग्जीबिशन है बिल्कुल नया है, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि महत्व भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है पेंटिंग का, तो इस पर क्या कहेंगे, क्या और भी लोगों को आगे कदम उठाने चाहिए, क्या कुछ महत्व है इस तरह की पेंटिंग्स का? बिल्कुल, इस तरह की पेंटिंग्स का बहुत वैल्यू है, क्योंकि एक एक्सपोजर जो फॉरेन कंट्री के आर्टिस्ट को इंडिया में मिलता है, वो सिर्फ मैं ही प्रमोट करता हूँ, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो आर्ट क्यूरेटर्स हैं जो इसको करते हैं। तो उसमें बेनिफिट ये है कि इंडिया के अंदर जो कल्चर है यहाँ का, हम एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं जिससे इंडिया के आर्टिस्टों की पेंटिंग हम बाहर शो कर सकते हैं और बाहर के आर्टिस्टों की प्रमोट यहाँ करते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक, मतलब इसका बेनिफिट ये है। बेनिफिट ये है, और पेंटिंग की अगर बात करें, तो कोई आर्टिस्ट अगर आपसे कॉन्टैक्ट करता है अपनी पेंटिंग के साथ, क्या कुछ आपका क्राइटेरिया होता है, किन शर्तों पे आप अपनी जो एग्जीबिशन लगाते हैं उनमें उनकी पेंटिंग्स लगाते हैं? एग्जीबिशन की शर्तें सिर्फ यही हैं कि हमारी जो पेंटिंग्स वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जूरी मेंबर्स के से सिलेक्ट होनी चाहिए, उनका लेवल वैसा होना चाहिए, और उसके अलावा जो है कि जो काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मॉडेस्ट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके उन आर्टिस्टों को हम इनवाइट करते हैं, अगर उनका काम बहुत अच्छा होता है तो उनको हम प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो बात करें अगर अचीवमेंट्स की, तो इकबाल जी अभी तक की आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, उसकी क्या कुछ अचीवमेंट्स रही हैं, कितने टाइम से आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? ये पिछले 10 साल से हम ये कर रहे हैं, और पूरे पैन इंडिया, इंडिया में करीब नहीं तो 50-60-70 हम एग्जीबिशन कर चुके हैं बाहर के कंट्रीज़ के। इंडिया में अपनी गैलरी में हमने सोलो शो की ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ग्रुप शो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे।
तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, 10 साल का एक्सपीरियंस है। और दीवारों पर आपको एक बार और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जो तमाम पेंटिंग्स अलग अलग कलर्स में यहाँ नज़र आ रही हैं, अलग अलग मैसेजेस दे रही हैं, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, हमारे देश में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनके पास आर्ट्स तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या हर तबके का इंसान अफोर्ड कर सकता है आपकी गैलरी को? हाँ, मैंने वही आपको बताया ना कि जो मॉडेस्ट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अगर उनका काम बहुत अच्छा है और डिजर्व करते हैं तो हम उनके काम को प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। और संदीप मारवा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इस एग्ज़िबिशन में पहुँचे हैं। सर, आज इकबाल जी ने जो ये पेंटिंग एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, आप उसमें पहुँचे हैं, तमाम पेंटिंग्स आपने देखी हैं, हाउ इज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस? देखिए, मैं तो पिछले 30-35 साल से फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 17,000 से भी ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल को, अपने पूरे देश को और तकरीबन 120 मुल्कों को दे चुका हूँ। करीब 100 से भी ज़्यादा ऐसी संस्थाओं को मैं चेयर कर रहा हूँ जो फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हैं। जब मैं आर्ट और कल्चर की बात करता हूँ तो मैं इसमें तमाम जितने भी फाइन आर्ट्स हैं उनको लेके चलता हूँ, और जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं मैं उनको लेके चलता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स में कहीं ना कहीं कला का प्रभाव होता है, सिर्फ आपको उसे उजागर करना है। कईयों की हाथ की कला है तो उसे आप पेंटर कहना शुरू कर देते हैं, जिनके पास डांस की कला है उन्हें आप डांसर कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि आज के इस कॉम्पिटिशन के ज़माने के अंदर सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सीख लेना चाहिए। अब चाहे भले पेंटिंग ही क्यों ना हो, अगर प्रॉपर तरीके से आपने इस आर्ट को सीखा है, इस कला को जो किस तरीके से आप निभा सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को किस तरीके से कैनवस पे, कलर पेपर पे, वाटर कलर के ज़रिए, पेंट के ज़रिए, ऑयल पेंट के ज़रिए, क्रेयॉन्स के ज़रिए, ये तो तौर तरीके अलग अलग बनते चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ इसकी आज भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जब कला ज़िंदा रहती है तो हमारी संस्कृति ज़िंदा रहती है, और जहाँ संस्कृति ज़िंदा रहती है वहाँ पर मानवता ज़िंदा रहती है, और पूरे संसार को चलाने के लिए कला का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश में वैसे कला की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, चाहे वो हाथों की कला हो चाहे कंप्यूटरी कला हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने एम को उन्हें हासिल करना चाहिए? देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आपको किसी ना किसी को गुरु तो बनाना ही पड़ेगा अगर आपको इन कलाओं के साथ जुड़ना है, क्योंकि सुर बिन मिले न सरस्वती और गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा यूं मिले जैसे भरत मिले भगवान। तो हकीकत ये है कि ढूंढिए भीड़ के अंदर अपने को, अपने किसी गुरु को ढूंढिए, कोई ना कोई आपको ऐसा शख्स मिल जाएगा जो कम पैसों में, कम समय में, कम खर्चे के ऊपर आपको कहीं ना कहीं आपकी कला, आपके रुझाव को प्रोत्साहित करेगा, आपको सिखाएगा, और मुझे उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई ना कोई एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, मारवा इंस्टीट्यूट जो है आप नोएडा में है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप दे रहे हैं युवाओं को, और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? देखिए, मेरे पास, मैं इस वक्त तकरीबन, ये मेरा सौभाग्य है फिर से कि सरकार ने मुझे अभी AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स का चांसलर नियुक्त किया है, और मेरे पास इस वक्त 4 कैंपस हैं, और इनमें तकरीबन 55 कोर्सेज चल रहे हैं, और करीब 4,500-5,000 बच्चा विभिन्न कोर्सेज के अंदर पढ़ रहा है, भाग ले रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग सारे कोर्सेज को प्रैक्टिकली ओरिएंटेड करें, स्किल डेवलपमेंट को यूज़ करें। पिछले 30 साल से ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां फिल्म और टेलीविज़न और मीडिया की ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल का रूप दिया गया है।
दुनिया के अंदर जितने भी अब तक बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में यूरोप और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी फिल्म और टेलीविज़न के कोर्सेज चलते थे उनमें 80-90% थ्योरी होती थी और करीब 10% प्रैक्टिकल होता था। हम लोगों ने इन सारे कंसेप्ट को चेंज करके और करीब 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी पे कन्वर्ट किया है, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं इस बात को जानता था कि भारत में अगर कोई भी कॉलेज या कोई भी संस्था तभी तरक्की कर सकती है जब हम लोग अपने हिंदुस्तानियों को हाथ से कला का महत्व सिखाएं। बातों से यहाँ काम नहीं चलेगा, अगर आप करना जानते हैं तब आप कामयाब होंगे, और शायद यही वजह है कि हमारे इंस्टीट्यूट से निकलने वाला हर स्टूडेंट आज कामयाब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Okay, so I am Ajay Sood from Confluence, and we have been associated with Iqbal, Iqbal ji, for over 20 years now. So we have been doing shopping festivals and promotions and across Delhi, across India, in various malls and markets. And Iqbal ji has been the interior, the visual VM, the visual displays for the outlets he had been doing for us for quite many years, and for CP and other markets also he has been associated with that. So one, that was the commercial aspect of his work, and this is more the creative aspect. So what we find here is it's wonderful to see so many artists from various places. You know, there was an artist Christine from Assam, we just met her, and one of her paintings is displayed here. I'm Pooja Motwani, designer and makeup artist. I'm from Delhi. और आज इकबाल जी ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है, एंड मैं अभी सारी पेंटिंग्स देख ही रही थी, स्टार्ट ही किया है मैंने, इट्स अमेजिंग। और सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनका इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है पेंटिंग्स, एंड इट्स वेरी नाइस, एवरीवन शुड कम एंड सी द पेंटिंग्स हियर। एंड जो पेंटिंग लवर्स हैं, आर्ट लवर हैं मेनली, वो इस पेंटिंग्स को, इन पेंटिंग्स को ना मिस करें और ज़रूर आएँ यहाँ पे, और इट्स दे आर अमेजिंग। मतलब जिस तरह से इन्होंने इन पेंटिंग्स से अगर जान डाली है, मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा है। ये आर्ट एग्जीबिशन बहुत अच्छी आर्ट एग्जीबिशन इकबाल जी ने लगाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो चाहूँगा कि इकबाल जी हमेशा ऐसे ही काम करते रहें, पहले भी इन्होंने बहुत सारी एग्जीबिशन लगाई हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी, एंड आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एन इंटरनेशनल पेजेंट कोच। सो आई हैव गिवन इंडिया सम वंडरफुल winners in beauty contests like Miss World and Miss Teen Universe and Mr. India and many more. I'm very, very honored and very pleased to be here at Krantz Art Gallery today. There are so many beautiful paintings out here, and most amazing is that each color is mixed so well and so differently. There is a saying in Hindi, har rang kuch bolta hai. Aur waqai mein, when you look here, you will find each and every painting is actually telling a story. So every painting, you can spend hours looking at it, create a fantasy, your own story. It's amazing, beautiful work by artists, and I would like to wish each and every one who's displayed this painting here all the very best. I hope Krantz Art Gallery rocks.
It's a beautiful evening because you get to see so much of art, and people have put in hours and days and months of their work, and these paintings are showing so much about their beliefs, and it is very inspiring. Art is the biggest form of inspiration for anyone. I feel very happy to see this. Thank you. क्रांट्स आर्ट गैलरी के दोनों आयोजक इकबाल कृष्णा और अनिल जी ने बताया कि हमारा उद्देश्य नए आर्टिस्टों को बढ़ावा देना है। सबसे पहले तो इकबाल कृष्ण साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और गुड़गांव में ये पहली दफ़ा इस पूरे एरिया में ये आर्ट गैलरी खुलने जा रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन आज मेरे हाथों हो रही है। मैं इस बात की भी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्ट गैलरी की ओपनिंग नहीं है, आर्ट एग्जीबिशन की भी ओपनिंग, पहली एग्जीबिशन की ओपनिंग की जा रही है। और 22 तकरीबन आर्टिस्ट हैं जिनको देश भर से यहाँ बुलाकर उनके इन तमाम पेंटिंग्स को यहाँ दर्शाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आर्ट गैलरी की वजह से और इस आर्ट एग्जीबिशन की वजह से ये जो खूबसूरत आर्ट है वो आम जनता तक पहुँचेगा, यहाँ के लोगों के अंदर फिर से एक बार आर्ट पेंटिंग इस कल्चर के बारे में पता चलेगा। और ये पेंटिंग एग्जीबिशन जैसे ही ख़त्म होती है मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले इनकी दूसरी एग्जीबिशन जो है वो तैयार हो जाए। मेरा नाम हेमराज है, मैं दिल्ली से हूँ, और ये जो एग्जीबिशन इकबाल साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, और वो बहुत टाइम से ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करने का काम कर रहे हैं। मेरी भी पेंटिंग इसमें एक पेंटिंग शामिल है, और इस पेंटिंग के अंदर जो टाइटल है वो है सतत स्मरण, मतलब ईश्वर का हमें निरंतर ध्यान रखना है। और इसमें जो कलर्स हैं वो ऑयल कलर हैं और ऑयल ऑन बोर्ड। ये मेरी पेंटिंग बहुत मेरे हिसाब से बहुत छोटी साइज में मैंने बनाई है, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे। मैं राजेश बड़ेरिया, बहुत समय हो गया पेंटिंग करते हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि ये गैलरी का आज पहला दिन है और श्री इकबाल कृष्णा ने ये अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया है, और मेरी भी पेंटिंग लगाई, इस बात की बहुत खुशी है। अजय जी, इकबाल जी की आज आर्ट एग्जीबिशन है जो कि 3 दिन तक चलेगी, और आपकी पेंटिंग है, आप अपनी पेंटिंग के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मेरी पेंटिंग्स जो हैं, मैं थोड़ा सा इस तरह से बोलूँगा कि माई पेंटिंग्स आर माई एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन of my encounters, experiences and beliefs. So I would say encounters means whenever I see anything, whatever impression I have got, whether those impressions are there in my subconscious since childhood, those are now coming on the canvas. And then my experiences. So basically my paintings are abstract expression, but some people find them when they look at the paintings, some kind of experience. Sometimes they call it metaphysical experience, but I don't intentionally do it, but I do my paintings very soulfully, and when the paintings come out, so that gives a kind of energy which people like a lot, and that becomes my, you can say, I become very happy that somebody is experiencing what I am trying to put through my brush and paint. Camera journalist Neeraj ke saath Parveen ki report. फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।